कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर का टैग, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलता है जिसमें एक कैटेगरी नंबर की भी है। ठीक है जी, तो इसको नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा नंबर फॉर्मेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये जनरल होता है सिलेक्टेड देखें। इसके अंदर आप वैल्यू वैसे ही इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या होता है डेट में, फिर ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट ऐसा होता है कि हर कोई जो फॉर्मेट है अपने आप एक्सेप्ट कर लेते, मतलब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है अगर उसके हिसाब से होता है, डेटा के हिसाब से। ठीक है जी, और इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास जनरल फॉर्मेट है जिसमें कुछ नहीं आ रहा, जनरल में आपको क्लिक करना होता है, जनरल फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। बाकी ये नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट के लिए मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। कुछ नंबर लिए हैं मैंने यहाँ पे, मान लीजिए एक आधे को माइनस भी कर देते हैं इसमें से। तरह 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 के नंबर होने चाहिए हमारे पास। तो इसमें एक मैं माइनस कर देता हूँ। तो नंबर फॉर्मेट है पहला, मैं चाहता हूं कि मैं डबल डेसिमल पोजीशन पे लाऊं, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, नंबर पे जाता हूं। तो पहला चीज देखने वाली है सैंपल। सैंपल में ये होता है कि एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है, यहाँ पे मैंने पहले इनको क्या करना होता है, सैंपल बॉक्स देखेंगे। सैंपल बॉक्स में इसमें सैंपल दिखाता है कि क्या होने वाला है। जैसे डेसिमल प्लेसेस यहाँ दो है, तो यहाँ डबल डेसिमल प्लेसेस तक दिखा रहा है। ओके करूंगा, डबल डेसिमल प्लेसेस आने लगे। और ऑप्शन देखता हूँ, यूज सेपरेटर, ये कॉमा, ये यूज थाउजेंड सेपरेटर। ये जो कॉमा होता है थाउजेंड की वैल्यूज के लिए होता है, जैसे 1234 है तो कॉमा पहले आ जाएगा, 1000 के बाद कॉमा आ जाता है, तो इसी तरह से कॉमा लग गया। ठीक है जी, देन मैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर है यहाँ पे कुछ, आप नेगेटिव नंबर को कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। कुछ लोग इसे माइनस के तौर पे दिखाते हैं और कुछ लोग इसको रेड कर देते हैं, जैसे ये है इसमें माइनस का साइन नहीं है बट वैल्यू रेड है। तो कोई भी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपको इसमें रेड दिखाई देगी। ठीक है जी, इसी तरह नीचे का फॉर्मेट है ये, इसमें ब्लैक ही दिखाई देगी बट इसके आगे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट में आपके ब्रैकेट्स भी आएंगे और रेड भी दिखाई देगी, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, तो ये नंबर फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास करेंसी। करेंसी में डेसिमल पोजीशन तो होती है, साथ में सिंबल होते हैं करेंसी के, तो यहां से कोई भी करेंसी का सिंबल आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई भी करेंसी का सिंबल डाल सकते हैं। तो जैसे ही करेंसी का सिंबल डालेंगे तो इन सबके आगे करेंसी का साइन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, एक चीज बताना चाहूंगा, नंबर फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई हो, वैल्यू की रियलिटी नहीं बदलती। ठीक है जी, ये खाली विजिबिलिटी के लिए होता है, रियलिटी चेंज नहीं होती है इसकी कभी भी। तो अब इसमें मैं देखूंगा कि मान लीजिए एक करेंसी है, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ और इसको जनरल फॉर्मेट में यहां से कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास वही नंबर है, तो मैंने करेंसी में यहाँ पे सेट कर दी वैल्यू, कुछ अलग भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, दूसरा फॉर्मेट जो मेरे पास है वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में जाने से पहले करेंसी में मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे आपको कभी चाहिए इंडियन रुपीज का फॉर्मेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक तो INR होता है और या फिर ये रुपए का साइन दिख रहा होगा इसके अंदर ना, काफी सारे साइन। अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए रुपी का साइन आपके में नहीं आ रहा है, जैसे मेरे पास हिंदी का रुपए है तो मैं रुपए में चेंज कर सकता हूँ इसे। ठीक है जी, इसी तरह से कोई भी साइन अगर आपको लेना किसी भी करेंसी का, तो आप नेट पे उस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसके बाद उसको डाउनलोड करके आपको कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट में पेस्ट करना होगा। ये जो फॉन्ट होता है ना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वो फॉन्ट इंस्टॉल हो जाता है।
ठीक है जी, ये फोल्डर खोलेंगे फॉन्ट्स का, उसके अंदर जितने फॉन्ट्स होंगे आपको दिखा देगा, ये फॉन्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है, तो आपका वो जो सिंबल करेंसी का है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। देन नेक्स्ट फॉर्मेट जो है करेंसी जैसा ही, करेंसी में और क्या क्या है, नेगेटिव नंबर है, उसी तरह से अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग में आपके डेसिमल प्लेसेस और करेंसी का साइन होता है, ठीक है जी। इसमें मान लीजिए मैं डॉलर यूज कर रहा हूं और दो डेसिमल प्लेसेस तक यूज कर रहा हूं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो करेंसी का सिंबल होता है अलाइंड होता है, ठीक है जी। इसमें देख रहे हैं कि आड़ा तिरछा है, कभी यहां पे रुपए जा रहा है कभी आगे आ रहा है, तो इसमें अलाइंड होता है। और तो और अगर मैं इसमें जीरो डालूं तो ये इस तरीके से दिखाता है, और इसमें जो जीरो है वो डैश की तरह से नजर आते हैं, ठीक है जी। बैंक की स्टेटमेंट वगैरह इसी अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारे पास डेट का है। डेट के फॉर्मेट को पहले हमें समझना होगा कि डेट एक्चुअल में है क्या, ठीक है जी। नितिन, नितिन ये कौन से नितिन है हमारे साथ, एक सेकेंड वेट कीजिए सर, एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं लगता है, इनको भी मैं कर दूं मैक्रोस। हेलो, आपके पास एक डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट आई होगी, उसको ओके कर दीजिए, वो डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो रहा है ना सर? हाँ ठीक है, डाउनलोड होते ही आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, 10 बज चुके हैं, क्लास चल रही है, ठीक है, ओके। हाँ तो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा था कि इसमें हमारे पास डेट का फॉर्मेट होता है। डेट को फॉर्मेट को पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेट्स वाकई में है क्या, ठीक है जी। डेट्स में आप जैसे करंट डेट के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबा के सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास करंट डेट एंटर हो जाती है, ठीक है जी। करंट डेट से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है हमारे पास टुडे का है, जो आपको करंट डेट दे देता है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मेट में क्या चीज देखने वाली है, एक कंट्रोल शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन दबाएंगे तो करंट टाइम आ जाएगा, उसी तरह से आपके पास एक नाउ का फॉर्मूला जो कि आपका डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है। बट अगर मैं इस डेट को जाके जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या दिखाता है, मेरे को नंबर दिखाता है, ठीक है। ये नंबर क्यों दिखाता है कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि ये जो डेट है, इसको जो सिस्टम है वो नंबर फॉर्मेट में एक्चुअली इसी में डील करता है, जो 1/1/1900। हाँ करेक्ट बताया, ठीक है जी। तो क्या होता है कि इसका मतलब है कि जब हम एक डालते हैं और इसको मैं यहां से डेट फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं, तो इसका मतलब है 1 जनवरी 1900, उससे लेकर अब तक जितने भी डेज हुए हैं वो आपको दिखा रहा है जनरल फॉर्मेट के अंदर। तो जनरल फॉर्मेट के अंदर ये आपको तब तक दिखा रहा है, डेट फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है, जहां मैं 2 डालूंगा तो 2 जनवरी दिखाएगा, 3 डालूंगा 3 जनवरी, तो तब से अब तक की डेट दिखा रहा है। इसी तरह टाइम में क्या दिखाता है? ओ, 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 नितिन जी, आप आपका नाम पैनल में दिख रहा होगा, जो डेट के अंदर ये फॉर्मेट्स हैं, हम इनको अलग अलग फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है डेट और टाइम साथ में दिखाता है, ठीक है जी। 12 बजे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 0, 1 के बाद कोई डेसिमल पोजीशन नहीं है,
ठीक है जी। इसी तरह से आपके टाइम के फॉर्मेट है, टाइम के मैं यहां लगाता हूं। टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आपका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है इसमें ये सेकंड्स वाला दिखा रहा है एएमपीएम में, ठीक है जी। 1:30:55 का जो है एएमपीएम में दिखाता है आपको डेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप करेंगे 13:30, क्या होगा 24 घंटे के फॉर्मेट में दिखाएगा, मतलब एक की जगह जैसे अभी 10:10 हो रहे हैं तो 22:10 दिखा रहा है, ठीक है जी, 24 घंटे के फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह से कुछ है सेकेंड्स के साथ है, एएमपीएम के साथ है, बट आपको 24 घंटे से भी एक्सीड करना है। कोई आ जाती है कि एक बंदा था एक ऑफिस में घुसा, आज रात को घुसा और परसों रात को बाहर निकला, तो कितने घंटे बेसिकली अंदर रहा, तो उसके लिए हमें 24 घंटे को पार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसमें इस तरह का दिखाते हैं, जैसे मैं 34 घंटे इस तरह से दिखाना चाहूं तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। क्या हुआ, इसने डेट में इंक्रीमेंट कर दिया, एक डेट पे आ गया और फिर 24 घंटे और प्लस 10 घंटे, ठीक है जी, इस तरह से दिखाया। तो 24 घंटे के फॉर्मेट को हमें पार करना पड़ेगा। तो इसमें जो बाकी के हैं 30:55 और 37:30 का, ये इसी के लिए हैं, ठीक है जी। तो राइट फॉर्मेट राइट जगह पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज का। परसेंटेज में क्या ध्यान रखने वाली बात होती है कि जैसे हमें किसी की भी परसेंटेज निकालनी, एक दबाता हूं मैं, दो दबाता हूं, कुछ भी, अगर इनको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है 100%, 200%, मतलब कि ये 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। बट एक बार आप फॉर्मेट कन्वर्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे कोई भी डालेंगे तो उतना ही परसेंट आएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है जी। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देता है हमेशा, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी वो पॉइंट में ही रहेगी। अगर मैं यहां से लूं और इसको जनरल में ले लूं तो इसकी वैल्यू जो है 0.23 ही है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे 0.23 से होगा, ठीक है जी। ये परसेंटेज का होता है, ठीक है जी। परसेंटेज के बाद अपने फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है, 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से। तो जैसे मुझे मेरे पास है 5.5, ठीक है जी, इसको मैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ। फ्रैक्शंस में आता हूँ और इसको चूज कर लेता हूँ, तो 5 1/2 दिखा रहा है, ठीक है जी। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, मैं थोड़ा सा स्पेस और लोकेशन का फर्क होता है बस, ठीक है जी। डिजिट्स के लिए कि टू, इसका यूजेज क्या है, मतलब कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मान मैथ के लीजिए लिए सिर्फ? देखिए, एक तो इसने वैल्यू कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप फ्रैक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें 10 जोड़ के दिखाइए, इस तरह से आपके पास सवाल दिया हो या क्वेश्चन पेपर की सॉल्व करना है, जरूरत किसी को भी कभी भी किसी तरह की पड़ सकती है, तो हर हर एक की जरूरत के लिए इसमें उस तरह से सामान दिया हुआ है, ठीक है जी। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर ही बनाना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें बाकी का जो है एक साइंटिफिक फॉर्मेट है। साइंटिफिक फॉर्मेट वैसे किसी काम का नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को दिखाता है, इसके लिए हमें लॉग बुक की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। देन टेक्स्ट है, हाँ जी। फ्रैक्शन सर, फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे, जैसे आपको, आपका डिस्टरबेंस ज्यादा आती है सर, शांत जगह पे बैठा कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने 2.5 लिखा, अब इसको फ्रैक्शंस में चाहता हूँ। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 1/2, 2/3, इस तरह से आपको चाहिए, तो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शंस में बदल देगा, ठीक है जी। 2 से ही 1/2, ये है फ्रैक्शन, ठीक ठीक है जी। देन अपना साइंटिफिक का मैंने बताया, इसको छोड़ दीजिए। टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट काम का है, टेक्स्ट कैसे काम का है वो भी दिखाता हूं। अब यहां पे मान लीजिए मुझे चेक नंबर से एंटर करने हैं। चेक नंबर कैसे एंटर करता हूं मैं, आगे मान लीजिए उसके जीरो है,
तो अगर मैं ऐसे ही एंटर करूं तो क्या होगा, जीरो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, मान लीजिए मुझे जीरो लिखने हैं, तो इसके लिए क्या मेथड फॉलो करते हैं हम, अपोस्ट्रॉफ का साइन लगाते हैं देन जीरो के साथ कोई भी डालते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रॉफ दबाया, ठीक है, जीरो आगे लाने के लिए अपोस्ट्रॉफ लगाते हैं। ठीक है जी, अब कितनी बार अपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, आपको मान लीजिए पूरी रो ही करनी है, 100-150 चेक नंबर एंटर करने हैं, तो इसके लिए क्या कीजिए, जहां भी आपको एंटर करने हैं वहां सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यहां से जाके टेक्स्ट चूज कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब इनका फॉर्मेट जो है टेक्स्ट हो चुका है, तो टेक्स्ट में ये फायदा है कि आप कुछ भी लिखें, आपको अपोस्ट्रॉफ लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, इवन कोई फार्मूला भी डालेंगे इसके अंदर तो वो भी फार्मूला भी आपका कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसके लिए आपको इसको जनरल करना पड़ेगा, तब काम करेगा ये। ठीक है जी, तो टेक्स्ट का फॉर्मेट अपने काम आ सकता है। देन स्पेशल की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेशल की जगह मैं आपको कस्टम बताने वाला हूँ। स्पेशल में जितने काम होंगे वो सारे मैं कस्टम के थ्रू करवाऊंगा, और साथ ही साथ इन कोड्स का क्या मतलब होता है इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो हमने खत्म किया कि चेक नंबर्स हैं हमारे। ठीक है जी, चेक नंबर है, मान लीजिए मैंने क्या किया, 6 डिजिट के थे, तो यहां पे ये जो एरर आ रही है ना, मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू नंबर कर दिया, अब हो गए इनके जीरो लॉस्ट। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि उस जीरो को वापस कैसे लाया जाए। एक तो तरीका कंट्रोल जेड है, पर मान लीजिए वो सेव हो गया, बहुत आगे चले गए, कंट्रोल जेड पहुंच ही नहीं सकता। अब मुझे ये वैल्यू 6 डिजिट की बनानी है जैसे कि पहले थी, आगे जीरो था, इसके लिए क्या करूंगा, किसी के पास जवाब है इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर कस्टम में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। कस्टम में जाके तो चेंज करेंगे ही कैसे चेंज करेंगे, क्या डालेंगे? कस्टम में जाके हम लोग अगर हम लोग जीरो लगा देंगे, सिक्स लगा देंगे, अगर इसको वन से मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा। वन से मल्टीप्लाई कैसे, अगर टेक्स्ट को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा वो? नहीं नहीं, वो नंबर में कन्वर्ट हो गया है, उसको वापस टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बना भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जीरो आने वाले नहीं है। अगर जीरो लगा दूंगा सर कस्टम में जाके तो वो हो जाएगा। अच्छा, आपने लगता है वीडियो देखी है तो, इस पे काम किया हुआ, थोड़ा सा काम किया हुआ। हाँ, तो सही जवाब है ये कि हम यहाँ पे 6 बार जीरो फिक्स कर देंगे, जितने डिजिट लाना चाहे जीरो लगा जीरो लगा देंगे। जीरो अभी क्यों लगाएंगे वो भी बता देता हूँ आपको। जीरो लगा दिया हमने तो देखेंगे कि वो सब वापस आ गया। बट इसमें एक खास बात है, हमने जो चेक नंबर एंटर किए थे उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर इन डिजिट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको जनरल में कर देता हूं अपना, जनरल में ये आप देखेंगे तो कैलकुलेटेड रिजल्ट आ रहा है इनका टोटल। ये क्यों हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये खाली डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, उसकी रियलिटी को नहीं। तो रियलिटी में पीछे में क्या है, ये नंबर ही है वही वाले, ये तो आपके प्रिंट लेने के लिए है खाली। ठीक है जी, आपको इसमें दिखाएगा, पर जीरो को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है असल में यहाँ पे। ठीक है जी, अब जीरो लगाया क्यों, जीरो जो होता है अपना ये होता है डिजिट का प्लेस होल्डर, मतलब जितनी डिजिट आपने डाल दी यहां, जैसे मैंने 6 बार लिखा है तो जितनी है उतनी तो है ही, जिनके आगे नहीं है वहां ये जबरदस्ती पूरी कर देगा, अगर कुछ नहीं है तो जीरो लगा देगा। ठीक है जी, अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है जी, मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर के आगे +1 लगवाना है, +91 लगवाना है, इंडिया का कोड +91 ऐसे आना चाहिए कोई भी नंबर डालूं। ठीक है जी, +91, तो उसके लिए क्या कोड है, हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, +91 स्पेस
और हैश, हैश, ठीक है जी, हैश लगा दिया। इसी हैश को मैं मतलब फॉर्मेट प्रिंटर से आगे यहां तक कर देता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट पेंट फॉर्मेट पेस्ट कर देता है आगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 91 91 लग जाएगा उसके आगे। बट इसमें मैंने, आप देख रहे हैं, जीरो नहीं लगाया, क्योंकि जीरो का काम है कि वो जबरदस्ती आगे 00 लगा देता है, और किसी नंबर के आगे हमने 00 लगा दिए तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो हैश क्या करता है, आप मान लीजिए डिस्टर्बेंस आ रही है सर, तो हैश क्या करता है, अगर हैश नहीं लगाया था तो मैंने क्या था, यहां प्लस लाइन वन दिखा रहा था, हैश लगाया तो ये वहां से जो है ये वैल्यू उठा के ले आया यहां पे, तो हैश इसको कैच कर रहा है, जो आपने सेल में वैल्यू डाली है उसको कैच करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस होल्डर चाहिए होता है हमें। इसी तरह जीरो प्लेस होल्डर होता है, इसी तरह हैश होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि जितनी बार जीरो डालेंगे जीरो फोर्स करेगा कि अगर कुछ नहीं है तो जीरो फिट कर देगा, जबकि हैश ऐसा कुछ नहीं करता, वो प्लेन जाने देता है, कहता है कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसको कैच करने के लिए हमें हैश चाहिए होता है, ठीक है जी, इसको दिखाने के लिए ये होता है। जैसे कि मैं मीटिंग आईडी भेजता हूँ आप लोगों को, वो उसके बीच में डैश लगा होता है, ठीक है जी, 9 डिजिट की है, 3 3 डिजिट के बाद डैश लगा होता है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो डिजिट प्लेस होल्डर है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 बार हैश डैश, 3 बार हैश डैश, 3 बार हैश, तो मैंने डैश लगा दिया बेसिकली में, मतलब अगर मेरी 9 डिजिट डलेंगी तो 3 डिजिट इधर पकड़ेगा, 3 इधर पकड़ेगा, 3 इधर पकड़ेगा, और बीच बीच में क्या डाल देगा, हैश, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कोई भी 9 डिजिट डालता हूँ तो ये बीच में हैश लगा देगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने 9 डिजिट से ज्यादा डाल दी तो उसको पकड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने और डाल दी तो उसको पकड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसने क्या किया कि पीछे से चालू हुआ, वो फॉर्मेट फिट करता गया और जहां कुछ नहीं था उसको आगे पटक दिया, ठीक है जी, इस तरीके से चलेगा ये। तो हैश, और इसमें डाउट है किसी को, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, हैश और सर अगर हम लोग हमारे पास अमाउंट आ गई है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर हम लोग काफी बड़ी है, हम लोग हाँ चाहते हैं वो जो बिलियंस में आ रही है हम लोग उसको बी लिख के उस अमाउंट को बड़ी शॉर्ट फॉर्म में ले आए, तो साथ बी आ जाए, क्योंकि वो अगर हम लोग अगर चार्ट बनाना चाहेंगे तो चार्ट के अंदर बजाय वो 10 बिलियन आए, 10 मिलियन आए, उसकी जगह हमारे पास मिलियन के साथ साथ आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, पॉसिबल है इस तरह? हाँ है, इसी से ही पॉसिबल है। इसका एक मेथड जो मैंने बताया था वो एडवांस फेस स्पेशल में बताया था कि डिवाइड कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है जी। दूसरा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बिलियन की वैल्यू लिखूं तो बी करके आ जाए, ठीक है जी, तो वो पॉसिबल है, वो थोड़ा सा एडवांस है, मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको, बाकी आगे के और फीचर देख लेते हैं इसके, ठीक है जी। तो ये हैश और जीरो हमने देखे कि क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है इसमें, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन मार्क भी होता है, एक कुछ वैल्यूज हैं डेसिमल में, यहां से फॉर्मेट को मैं जनरल कर देता हूं। अब देखिए मैं अपने कीबोर्ड से ही जनरल कर देता हूं, इसका शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं कि आपके कीबोर्ड पे एक टिल्ड का साइन होता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक, जहां अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं आपकी 1 2 3 4 ABCD के ऊपर जो होती है, तो उसके सबसे बगल में टैब के ऊपर होता है टिल्ड का साइन होता है, एक कॉमा का साइन होता है और एक टिल्ड का साइन होता है, शिफ्ट के साथ लेते हैं जे वाला, ठीक है जी। तो कंट्रोल शिफ्ट ये टिल्ड वाले बटन को दबाने पे क्या हो जाता है, जनरल हो जाता है, मैं यहां करता हूं, कोई भी फॉर्मेट जो है जनरल हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड दबाने पे। कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे तो नंबर फॉर्मेट में चेंज होगा, देख रहे हैं नंबर फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाएंगे तो टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे तो डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाएंगे तो करेंसी में हो जाएगा, 5 दबाएंगे तो
परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है जी, 6 में साइंटिफिक चला जाता है। तो ये आप फॉर्मेट यूज शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली किसी को भी किसी फॉर्मेट में अगर चेंज करना है, ठीक है जी। देन हमने एक जो मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन मार्क भी होता है जीरो और इसकी तरह, पर वो डेसिमल्स को अलाइन करने के लिए होता है। जैसे मैंने 23.25 लिखा, फिर से ये जनरल में चेंज करता हूँ, 23 पॉइंट नहीं आ रहा, यहां से लगा देता हूँ 523.565, इसको भी जनरल में कर देता हूँ 1.2। तो इसमें देखते हैं इन तीनों को सिलेक्ट किया, अब मैंने क्या करना है कि इसमें जो डॉट्स हैं इनको बीच में ले आना है, ये जो डेसिमल है वो एक बीच में लाना है, मतलब फॉर्मेट क्या सेट करना है कि डेसिमल के बाद 3 इधर होनी चाहिए 3 इधर होनी चाहिए, स्पेसेस सेट करने हैं। तो क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहां पे हम डाल देंगे 3 बार क्वेश्चन मार्क डॉट 3 बार क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, ये करेंगे। तो क्या हुआ, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं डेसिमल दिख रहे हैं आपको, वो एक लाइन में हो गए, अलाइंड हो गए, मतलब क्या हुआ इसने 3 का स्पेस यहां मेंटेन किया डेसिमल के बाद इधर, और डेसिमल से पहले भी 3 का ही, ठीक है जी। तो जिसके कारण ये बीच में आ गया, ये सिर्फ अलाइनमेंट के लिए होता है और कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है जी। तो हैश, क्वेश्चन मार्क और 0, 3 हमारे इसमें यूज होते हैं, ठीक है जी। फिर अब चलते हैं डेट के साथ, अगेन डेट पे आ जाते हैं कि मैंने यहां पे डेट डाली, डेट डाली। अब डेट के फॉर्मेट देखते हैं कि डेट के क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कस्टम के अंदर अभी दिखा रहा है D-MM-YY, इस तरह से दिखा रहा है। तो अगर आपको खाली डे चाहिए, सैंपल में देखते रहिए तो डी दबा सकते हैं, तो डेट आएगी खाली, सिंगल डिजिट में डेट आएगी, मतलब अगर यहां पे 1 होगा तो 1 ही दिखाएगा, 0-1 नहीं दिखाएगा, ठीक है जी, डेट आ गई। इसमें मैंने क्या किया, 2 बार डी दबाया तो डबल डिजिट में डेट आएगी, यानी कि 1 आएगा तो 0-1 दिखाएगा, 1 तारीख होगी तो 0-1 दिखाएगा। 3 बार डी दबाते हैं तो क्या होता है, फ्राइडे के लिए एब्रीवेटेड डे नेम आता है, ठीक है जी। 4 बार डी लगाएंगे तो क्या आएगा, फुल डे नेम, ठीक है जी, फ्राइडे। इसी के साथ ही मान लीजिए अगर हम इस पे, ये तो हो गया डेट के लिए, मंथ के लिए क्या यूज करते हैं, एम, सिंगल डिजिट मंथ नेम, 2 बार एम डालेंगे तो डबल डिजिट मंथ आएगा आपका, ऐसे 10 दिखा रहा है, ठीक है जी। इसको अगर हम 3 बार एम करते हैं तो क्या होता है, एब्रीवेटेड मंथ नेम आता है, ऑक्ट करके आ रहा है। 4 बार दबाएंगे तो फुल मंथ नेम आएगा, मंथ में आप 5 बार भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इनिशियल ऑफ द मंथ, ओ खाली आ रहा है, इनिशियल आएगा खाली, ठीक है जी। देन इसमें ईयर के लिए क्या होता है, ईयर के लिए 2 फॉर्मेट है, वाई वाई लगा सकते हैं डबल डिजिट ईयर नेम ईयर के लिए, या 4 बार वाई लगा सकते हैं 4 डिजिट ईयर के लिए, ठीक है जी। अब इनको कंबाइंड भी कर सकते हैं, इसी में कई बार हम इसी कोड को यूज कर सकते हैं, DDMMYY, जैसे भी चाहें वैसे। तो मुझे क्या चाहिए, पहले एब्रीवेट फुल डे नेम चाहिए, तो 4 बार डी लगाना पड़ता है उसके लिए, फिर मैं चाहता हूं उसके बाद कॉमा आ जाए, स्पेस, देन मेरा मंथ एब्रीवेटेड मंथ नेम आ जाए, तो 3 बार एम लगाऊंगा, ठीक है जी। डैश चाहता हूं, डैश लगा दिया मैंने, अब मैं चाहता हूं कि डबल डिजिट में डे आ जाए मेरा, डेट जो है डबल डिजिट की डाल दी, देन कॉमा करके मैं क्या करता हूं, मेरा 4 डिजिट में ईयर चाहिए, तो वाई वाई वाई, 4 बार वाई लगा दिया, ओके किया, तो वही डेट का फॉर्मेट आपको यहां पे मिल जाएगा जैसा कि मैंने सेट किया था, ठीक है जी। एक कैरेक्टर को कितनी बार भी आप यूज कर सकते हैं, सर कॉमा लगा के वापस वाई वाई लगा दूं तो फिर से ये दिखाएगा,
इसमें जाके 4 बार m लगा दूं तो ये दिखाएगा। तो एक ही डेट एक ही है पर इसकी विजिबिलिटी मैं चेंज करता जा रहा हूं, ठीक है जी। तो डेट में जैसी डेट चाहिए आप ले सकते हैं इस हिसाब से। देन टाइम के लिए आते हैं, अपना टाइम चेंज करते हैं जरा। टाइम डाला मैंने कंट्रोल शिफ्ट कॉलन करके, ठीक है जी। टाइम डाला, अब टाइम के फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। अभी का फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, एच कॉलन डबल एम एम स्लैश पी एम। तो आवर के लिए क्या यूज करते हैं, एच यूज करते हैं, ठीक है जी। कॉलन, मैंने कॉलन दिखाना है, बीच में डैश भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी दिखा सकता हूँ, कॉलन दिखा देता हूँ। एम यूज करते हैं मिनट के लिए, कॉलन। एस यूज करते हैं सेकंड के लिए, डबल एस यूज करूंगा तो डबल डिजिट में सेकंड आएगा। इसी तरह मैं डबल एम और डबल एच भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। और क्या है इसके सामने, अगर मैं ऐसे ही दे दूंगा तो ये क्या दिखाएगा मुझे, 24 घंटे के फॉर्मेट में दिखाएगा। मान लीजिए मुझे इसको करना है 12 घंटे के फॉर्मेट में, तो इसके लिए मेरे पास है एम स्लैश पी एम, ये मुझे पूरा लिखना पड़ेगा एम स्लैश पी एम, क्योंकि एक फॉर्मेट है तो एम पी एम दिखा रहा है। एम स्लैश पी एम के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्लैश पी भी लिख सकता हूँ, तो ए पी इनिशियल आएगा खाली, ठीक है जी। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसमें कोई भी आरएनडी नहीं हो सकती, इतना ही चलेगा ये। अब मान लीजिए मुझे ये टोटल पता करना है कि टोटल घंटे कितने हो गए, अबव 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ 34 आवर वाला, वही वाला जो मैं चाह रहा था, इस तरह से एंटर करता हूँ, ठीक है जी। तो अब मुझे चाहिए कि वो निकालना है मैंने कि 24 आवर से बियॉन्ड जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा एक, ठीक है जी, सिंगल एच चलेगा उसमें। इसको हटा देता हूँ ए एम पी एम को, ठीक है जी, तभी चलेगा मेरे ख्याल से, डबल डिजिट भी चल जाएगा, डबल डिजिट चल जाएगा, तो ये उसमें आ जाएगा अपने बियॉन्ड 24 आवर के फॉर्मेट में, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि टोटल मिनट कितने हुए हैं, आवर से नहीं गिनना मुझे, मिनट से गिनना है। तो एम एम जो ये मिनट है इसके आगे मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है जी, बड़े ब्रैकेट इसके आगे लगा दूंगा और सेकंड कर दूंगा, तो मिनट और सेकंड दिखाएगा मुझे कि इतने मिनट हो गए, और मुझे खाली सेकंड ही चाहिए तो बड़े ब्रैकेट में एस एस करके डाल दूंगा या एस करके डाल दूंगा, तो टोटल सेकंड दिखा देगा। तो टाइम के इस तरह से आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, बट इसमें टेक्स्ट यूज करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि टेक्स्ट जो भी एंटर करना होता है हमें इन्वर्टेड कॉमाज में करना होता है, ठीक है जी। मान लीजिए कंपनी नेम डाल रहे हैं आप चाहते हैं कि मैसर्स अपने आप लगा हुआ आ जाए, ठीक है जी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहां से, अब मिस्टर पहले से लगा हुआ आ जाए इस तरह से, क्या करूंगा, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में दूंगा मैसर्स, स्पेस भी दे दूंगा क्योंकि स्पेस भी तो लगाना पड़ेगा यहां, या तो स्पेस देके करें या विदाउट स्पेस करना चाहते हैं तो यहां स्पेस देना पड़ेगा। तो मैसर्स दिखा दिया मैंने, अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर की वैल्यू जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, जैसे कि जीरो और हैश कर रहे थे कि वैल्यू कैच कर रहे थे, तो टेक्स्ट को कैच करने के लिए एक कीवर्ड लगता है एट द रेट, ठीक है जी, एट द रेट। तो जैसे ही मैं इसमें डालता हूं अपने आप आ जाता है, ठीक है जी, अपने आप आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और यूज है इसका, जैसे कि एक इसमें चलता है स्टार का कीवर्ड, एट द रेट, हालांकि जितनी बार दबाएंगे उतनी बार आपका रिपीट कर लेगा। दोबारा एट द रेट दबा दिया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बीपी टीपी लगाया तो 2 बार बीपी टीपी आ गया, 2 बार अगर मैंने ये एट द रेट लगा दिया तो पूरा पूरा टेक्स्ट 2 बार कॉपी कर देगा।
आप लिखेंगे एक ही बार, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं इसकी जगह वो आ जाए, कोई भी चीज रिपीट करनी है, तो मैं क्या करता हूं, पहले एट द रेट कर देता हूं कि जो है उसमें आ जाए, उसके बाद रिपीट करने के लिए मैं क्या लगाता हूं, स्टार लगाता हूं। अब इसके बाद जो भी दूंगा वो रिपीट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे एस दे दिया मैंने, तो ये इसके एंड तक रिपीट हो जाएगा। स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, एंड तक रिपीट होना चाहिए, बट इसमें हो नहीं रहा, देख लेते हैं। स्टार एस, ओके, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दिया, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, एंड तक एस रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। स्टार के बाद जो भी लगाएंगे वो रिपीट हो जाएगा, स्टार के बाद स्टार लगा देता हूं मैं, तो स्टार रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे पासवर्ड लिखते हैं ना, अब यहां जैसे मैंने नाम लिखा, बाकी के मेरे स्टार आ गए, ठीक है जी। तो स्टार रिपीटेशन के लिए होता है। इसका एक और यूज कर सकते हैं, जैसे हम फॉर्मेट डिजाइन करते हैं एक्सेल में नेम करके, और फिर इसके अंडरस्कोर डालते जाते हैं लाइन के लिए, पर इसमें क्या होता है कि कॉलम छोटा बड़ा करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि ये कॉलम को पकड़ के रखे, ये कॉलम विड्थ दो जितना उतना ही दिखाए, तो ये इसको यहां ना देकर हम कहां दे सकते हैं, फॉर्मेट में दे सकते हैं, कस्टम में जाके मैं यहाँ पे एट द रेट के बाद क्या दे देता हूँ, स्टार लगा के अंडरस्कोर दे देता हूँ, स्टार अंडरस्कोर, ओके। तो ये आपका रिपीट हो गया, और इसको जितना मैं बड़ा करता जाऊंगा कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो टेक्स्ट के लिए यही यूज होता है सिर्फ, ठीक है जी। उसके बाद आपकी इसमें कुछ कंडीशन भी चलती हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया था कि इनको हम नेगेटिव नंबर में चेंज करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, तो कंडीशनल ये कस्टम फॉर्मेटिंग में कुछ कलर्स भी हम यूज कर सकते हैं। कलर्स कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं इसमें डाल देता हूं रेड बड़े ब्रैकेट में, ठीक है जी, तो इसके अंदर कुछ भी डालूंगा तो ये रेड में आएगा, ठीक है जी। इसके आगे मैं कर देता हूं ब्लू, तो ये ब्लू में आएगा, ठीक है जी। यहां से कलर भी चेंज कर सकता हूं, और मान लीजिए मेरे को एक कंडीशन सेट करनी है कि ब्लू कब आए, जब वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो, ठीक है जी, वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो तो ब्लू आए, एंड यहां पे हम सेमी कॉलन देते हैं दूसरी कंडीशन डालने के लिए कि रेड हो, और कंडीशन भी बड़े ब्रैकेट में डालती है, जब वैल्यू लेस देन 100 हो, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 100 हो, मतलब 100 तक, तो ये कंडीशन सेट कर दी। अब मैंने क्या किया, 10 डाला, तो 10 लाल में दिखा रहा है, 100 डालता हूं तो 100 भी लाल में दिखा रहा है, 101 डालता हूं तो ब्लू में दिखा रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, एक कंडीशन सेट हो गई, ठीक है जी। ये जनरल जनरल क्या है, ये फॉर्मेट है, मान लीजिए इसको नंबर फॉर्मेट कर दूं मैं, इसमें अलग भी फॉर्मेट है, स्टार के जरिए सेट कर सकता हूं। अच्छा, आप देखते हैं कि यहां पे क्या फॉर्मेट अप्लाई था, यहां पे क्या फॉर्मेट अप्लाई है, कंट्रोल वन में देखता हूं, कस्टम में जाता हूं, तो आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो रखा है, ठीक है जी। अब आप इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं, ठीक है जी। कॉमा सेपरेटर, यहां पे 00 क्यों लगाया, क्योंकि ये फोर्स कर रहे हैं, अगर कुछ ना हो तो 0 डालो ही डालो, ठीक है जी, और जहां फोर्स नहीं करना वहां हैश लगा रखा है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपको चाहिए इंडियन नंबर फॉर्मेट, उससे पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि जैसे आपने पूछा था कि सर ये, हाँ जी, फॉर्मेट में हैश कॉमा हैश लगा हुआ है,
और जीरो से पहले, यहाँ तो पे उसके बाद हाँ जी अगर आप कस्टम में जाके देंगे, हाँ जी हैश कॉमा हैश हैश, हाँ वही मैं दिखा रहा था आपको कि जैसे मैं कोई भी नंबर फॉर्मेट में कर देता हूँ, यहाँ से ये नंबर फॉर्मेट में इसको नंबर फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इतना कर देता हूँ डबल डेसिमल में, ठीक है जी। अब इसको देखता हूँ कि कस्टम में क्या कह रहा है ये, कस्टम में इसका कोड आता रहता है कोई भी फॉर्मेट अप्लाई होगा तो क्या आ रहा है 0.00। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे जीरो हो तो 0.00 दिखाएगा ही दिखाएगा। मान लीजिए मैंने कर दिया 0.01, ठीक है जी, तो जीरो अपने आप फिक्स कर देगा। जीरो क्या कर रहा है, जब आपके पास वैल्यू नहीं है 0.23 डाला तो ये अपने आप फिक्स कर दे रहा है, फोर्स कर दे रहा है वहां पे आने के लिए, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, डेसिमल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या था कि आगे का फॉर्मेट डिजाइन हुआ, जैसे कि हुआ हैश कॉमा हैश कॉमा हैश हैश, तो यहां पे जो कॉमा यूज हो रहा है सर ये आपका है 1000 के सेपरेटर के लिए। यहां पे देखेंगे 3 डिजिट है, ठीक है जी, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आना चाहिए, ठीक है जी। तो जब मैं इसमें 1000 डालता हूं तो क्या आता है, 1000 के बाद अपने आप कॉमा आ जाता है, ठीक है जी। इसके लिए इसको आप चाहे कहीं भी डालें, उसका मतलब है कि ये आपको वहां से कॉमा स्टार्ट करेगा ही करेगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैं इधर कर देता हूं हैश और कॉमा, ठीक है जी, कॉमा का मतलब है 1000 के बाद ही आना है उसमें, और पीछे कुछ डाला नहीं तो मुझे क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल 1000 है। तो आपने बात की थी मिलियन बिलियन की, तो दूसरा कॉमा एक्सेल कब डालता है, 10 लाख पे डालता है, जब वैल्यू मिलियन में होती है। तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर से जनरल फॉर्मेट में करता हूं और यहां पे 1,23,000 कर देता हूं, ठीक है जी। और इसमें अपना वो वाला कॉमा सेपरेटर फिट करता हूं, यहां से नंबर में जाके कॉमा सेपरेटर, तो कॉमा सेपरेटर को देखेंगे तो मिलियन पे लगा रहा है, इसी तरह बिलियन पे लगाएगा। तो अगर अगर मैं इसको कस्टम में जाके और इसकी जगह मैं क्या कर दूं, ये हैश के बाद डबल कॉमा दे दूं, तो मुझे क्या दिखा रहा है, आगे वाले का 1 मिलियन, ओके जी, वैल्यू वही है 1 मिलियन दिखा रहा है। बिलियन के लिए अगला कॉमा जो है बिलियन पे आएगा, 3 बार लगाता हूं तो बिलियन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से चलता जाएगा, कॉमा अपने आप में 1000 को मिलियन को बिलियन को करता है। बट मैंने जो क्वेश्चन किया था कि इंडियन फॉर्मेट में मान लीजिए 11,23,000, इसको मुझे 11 लाख के बाद कॉमा लगाना है, फिर 23,000 के बाद, यहाँ 23 के बाद कॉमा लगाना है, तो कैसे लगेगा वो, ठीक है जी, क्योंकि कॉमा जब भी लगाएंगे ठीक है जी, डबल डेसिमल तक चाहिए, 0.00 करके दे दिया, तो 1 लाख कितना, 1 मिलियन 1,2 आगे जो भी फिगर है वो दिखा रहा है आपको, ठीक है जी। तो पॉइंट में वैल्यू इस तरह से देख दे सकते हैं आप, ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये। तो अगर अगर बैक में हम लोगों ने इसी के जो आया ये हम मिलियन लगाना चाहते हैं, एम लगाना चाहते हैं, अब M लगाना चाहते हैं इसके बैक में, तो यहां से आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में M दे दीजिए, ठीक है जी, एक स्पेस दे के दे देता हूं, तो ये M आ गया 1.12 मिलियन, ठीक है जी। 3 बार डालेंगे तो वो बिलियन में चला जाएगा, ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेट है, ये जो कस्टम फॉर्मेट है ना, ये मैंने आपको नाम बताया, इसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना कि कोड फॉर कस्टम फॉर्मेट फॉर दिस थिंग, तो आपको मिल जाएगा। अब इंडियन नंबर फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपका कॉमा जो है वो एडामेंट है, वो
जिद करता है कि जी मैं 11 लाख के आगे लगूंगा, मतलब वो मिलियन में काउंट करना है, हमें उसे लाख काउंट करवाने। तो अब इस केस में क्या होगा, यहां पे चलेंगी कंडीशन कि अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, यहां पे ले लेता हूं मैं पहली कंडीशन कि अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख, तो कौन सा फॉर्मेट लगाए वो फॉर्मेट देना पड़ेगा मुझे। यहां पे मैं कहता हूं 1 लाख से ज्यादा होने पर ये दिखाए हैश कॉमा हैश 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 नहीं हैश हैश कॉमा कॉमा हैश 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 डॉट 00, या फिर ये लास्ट वाले हैश को 00 पे। बट ये अभी भी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये इस तरह से वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि जहां भी आपने कॉमा दे दिया, दूसरा कॉमा देने का मतलब है, जो कि मैंने डाला था अभी कहां गया, दूसरा कॉमा देने का मतलब है कि आपने इसको मिलियन के लिए बोला है, ये उससे आगे जाके लग जाता है। तो इसकी जो कॉमा की जो है तासीर को बदलने के लिए क्या करेंगे, एक बैक स्लैश लगा देंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, अगर 1,23,000 से ऊपर है, अभी इसमें क्या हो रहा है, जनरल इसको हटा देता हूं मैं और इस तरीके से कर देता हूं, और यहां पे भी मुझे स्लैश देना होगा इसके दोनों कॉमा में। जब मैंने दे दिया तो क्या हुआ, ये मेरे कॉमा कॉमा करके 11,23,123 आ गया, पर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि जब वैल्यू 1,000 से छोटी हो तो क्या करेगा, मतलब लाख से छोटी हो तो क्या करेगा, 23,123 डालता हूं, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि कंडीशन सेट है। दूसरी कंडीशन लगाने का वक्त आ गया है, दूसरी कंडीशन मेरे को लगानी पड़ेगी कि अगर वैल्यू इससे छोटी हो, यहां पे क्या करना करेगा, 1 लाख या 1 लाख से अधिक, यहां पे मुझे करना पड़ेगा वैल्यू जब इससे छोटी हो 1 लाख से, तो मुझे देना पड़ेगा फॉर्मेट अपना वही वाला 1,000 वाला। इसमें तो मुझे वो लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1,000 वाला फॉर्मेट तो नेशनल इंटरनेशनल सबके लिए सेम है, ठीक है जी। बस इतना करना है तो मेरा काम कर जाएगा, चाहे मैं लाख डालूं चाहे 10 लाख डालूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर करोड़ के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मुझे फिर से एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू करोड़, और इसी तरह से बैक स्लैश लगा के वो फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका कस्टम फॉर्मेटिंग। इससे पहले क्लोज करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आपको अगर ये लिस्ट चाहिए कहां से मिलेगी आपको कस्टम फॉर्मेट की, अभी जो भी चीज मैंने बताई है इसको करना चाहते हैं तो ये कहां पे मिलेगी, आप हेल्प खोल लीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे F1 दबाएंगे तो हेल्प खुलेगा, यहां पे करेंगे कस्टम फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है जी। और ये जो सर्च का ऑप्शन है ये दो तरह से काम करता है, एक तो ऑनलाइन करता है एक ऑफलाइन करता है, ये आपको मिलेगा ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेट, भाई साहब गाने बंद कर लीजिए, क्रिएट और डिलीट कस्टम फॉर्मेट। तो यहां पे आपकी फुल लिस्ट जितना भी मैंने बताया वो सब आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है जी। कोड्स ये रेड वाले ब्लू वाले ये कैसे वो चले, कौन से आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, जीरो का क्या यूज है, हैश का क्या यूज है, क्वेश्चन का क्या यूज है, पीरियड डेसिमल तो डिजिट के लिए प्लेस होल्डर है, किसको कैसा दिखाना है तो क्या कोड लगेगा, ठीक है जी।
ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, और जो बिलियन मिलियन की बात कर रहे थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, किसको कैसा दिखाना है तो क्या कोड यूज करना है, कलर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सारे ही नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते। कंडीशनल वाली बताई थी तो कंडीशनल यहाँ से यूज कर सकते। ठीक है जी, मंथ में किसको दिखाएं तो क्या है, क्या कोड लगेगा। ठीक है जी, आवर में क्या चीज चलेगी, तो टाइम के लिए क्या क्या कोड लगेंगे, कैसे करना है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपका पूरा का पूरा यही सब दिया हुआ है, बेशक इसको रेडी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मंडे को। ठीक है जी, और इसकी रिकॉर्डिंग आप सर वो सबसे लिंक मेल नहीं पे भेजा मिले, आपने बाकी दोनों क्लासेस का? मैंने भेजा सर, मेल चेक कीजिए। ठीक अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता। है, ना मिला हो तो मेरे को फोन कर दीजिएगा, वैसे मैंने भेज दिया है, आपने सबको ही भेज दिया है। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है।